जहरीली शराब का मामला सामने आया है। जहरीली शराब पीने से इंसानी नुकसान की जानकारी प्राप्त हो रही है और इस बार सरकारी बार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के किला अलंगाम में रविवार को एक सरकारी बार में शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब पीने के बाद लोगों के मुंह से झाग निकलने लगा था, जिससे उनकी मौत का पता लगाया गया। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है। आपको बता दें, हफ्ते भर पहले भी राज्य में जहरीली शराब पीने से दो घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा उमड़ गया है और लोगों ने सरकारी बार पर हमला बोल दिया है और शराब का सैंपल लेने पहुंची अधिकारियों की टीम को लोगों ने बार में बंधक बनाने की भी कोशिश की। इससे पहले 13 से 14 मई के बीच भी तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने की दो घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई थी। विल्लुपुरम में 9 और चेंगलपट्टू में 5 लोगों ने दम तोड़ा था, वहीं 51 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब इस बार फिर से तंजावुर जिले में सरकारी बार में जहरीली शराब मिली, जिससे लोगों की मौत हो गई है।